राइट सो राधे की आई है, अनवील करते हैं गाड़ी को। आई पकड़ लो आगे आ गया। मैं आपके साथ अब पार्टी बोलो आप हां जी बोलो सर पीछे पीछे चले ना उनसे पीछे से देखो जी देखो ये देखो एक मिनट यार छोटे रेट ठीक है ऐसे ना पक्का ये मोमेंट याद करना चाहता सर याद रह गया तो पहले तरुण भाई दो शब्द आई डोंट थिंक दो शब्द में काम चलेगा मुझे उस दिन याद आ रहा है कि जब हमने फरीदाबाद में बिजनेस स्टार्ट किया था इक्का दुक्का लोग होते थे हम मीटिंग्स करते थे ऑफिस में मिलते थे ऑफिस में मीटिंग्स होती थी फिर हमने वन डे वर्कशॉप्स करनी शुरू करी और बहुत सारी वन डे वर्कशॉप्स में राधा मैम आती थी हर्षिता तब थी नहीं पिक्चर में और राधा मैम जब आती थी तो जब बात होती थी कि कोई गाड़ी मिलेगी कोई गाड़ी लेके तो राधा मैम की आंखों से आंसू गिरते थे और ये कहती थी नहीं मुझसे नहीं होगा मैं नहीं कर पाऊँ और शायद ही मेरी कोई ऐसी मीटिंग रही होगी जिसमें हमने राधा जी को स्टेज पर बुला के ये नहीं कहा कि मैम यू कैन डू दिस यू कैन डू दिस यू कैन डू दिस रानिया आज मुझे सच में इतनी खुशी हो रही है कि मैं आपको बता नहीं सकता मैं बयान नहीं कर सकता और इस खुशी में अगर मैं किसी का योगदान कहूँ अगर किसी ने बहुत मेहनत की है तो वो है हर्षिता ऑब्वियसली बट इनके साथ जिन्होंने मेहनत की है वो अक्षय दत्ता दिग्विजय तब नहीं थे अब कर सकते हैं और मनोज मलिक जी और सारी जिनकी बदौलत आज ये गाड़ी पॉसिबल हुई है जब मैं इनसे मिला था तो राधा जी के घर पे शायद साइकिल भी नहीं थी पर मैं मोदी जी की वो कहानी आपको सुना रहा हूँ कि साइकिल भी नहीं थी और उसके बाद पहली गाड़ी आई फिर दूसरी गाड़ी आई और आज ये तीसरी गाड़ी है विच इज दिस ब्यूटीफुल मर्सिडीज बेंज अभी तो सफर शुरू हुआ है अभी तो कहानी शुरू हुई है मैं देख रहा हूँ कि आजकल थर्ड जनरेशन फोर्थ जनरेशन में लग्जरी गाड़ियाँ आनी शुरू हो चुकी हैं फोर्थ जनरेशन का मतलब समझ सकते हैं आप फर्स्ट जनरेशन सेकंड जनरेशन थर्ड जनरेशन फोर्थ जनरेशन इसका मतलब है कि मोदी के बहुत तेजी से ग्रो कर रहा है बहुत तरक्की कर रहा है और उम्मीद करता हूँ आप सब जितने लोग आज यहाँ पर आए हैं जो भी आज यहाँ पर हैं
आपको थोड़ा विश्वास तो हो रहा होगा कि आपकी भी गाड़ी आ जाएगी। And yes, again, I'll say the same words. You all can do this. Yeah! Yeah! मुझे नहीं मालूम कि मैंने कभी ख्वाब में भी सोचा होगा कभी कि मैं इतनी गाड़ियाँ रोज हम जाएंगे, रोज एक नए शोरूम पे जाएंगे, रोज हम गाड़ी दिलाएंगे। मैंने कभी ख्वाब में भी नहीं सोचा था ऐसा कि इतना कुछ होगा। यस, बड़ा जरूर सोचा था कि हाँ कुछ होगा, कुछ बड़ा होगा, कुछ बड़ा करेंगे, गाड़ियाँ आएंगी। पर मज़े की बात यह है कि 2020 जो दुनिया का सबसे खराब ईयर गया, जिसको लोगों ने कहा कि जीरो ईयर है, हमने 2020 में सबसे ज़्यादा गाड़ियाँ ली और 2021 की शुरुआत फिर एक धमाकेदार गाड़ी से हो रही है। तो इसका मतलब 2021 और भी ज़्यादा धमाकेदार जाने वाला है, और भी ज़्यादा पावरफुल जाने वाला है, और भी ज़्यादा गाड़ियाँ लेकर के आने वाला है। और मेरी दिल से आप सबको दुआएं हैं, आप सबके लिए मैं एक ही दुआ मांगूंगा कि आप सबकी भी गाड़ियाँ इसी 2021 में आ जाए। ये और इसके लिए अगेन अक्षय दत्ता जी को और मनोज जी को, सारिका भाभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं कि इनकी मेहनत, इनकी गाइडेंस और इन्हीं के बलबूते पर ये सब फरीदाबाद में हो रहा है और फरीदाबाद में इतनी सक्सेस आ रही है। सो विश यू ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। हम लोग पता है ऐसे क्यों है, क्योंकि हमारे अप्लाई नहीं ऐसे है सर। अभी तीन चार दिन का जिम कॉर्बेट में वर्कशॉप करके आए हैं। शायद 400 लोग थे सर, 200 प्लस लोग थे, और उसके बाद जिम कॉर्बेट से घर नहीं गए, सीधा यहाँ आए। हम तो ऐसे होंगे ना। आप सब लोग इंतजार कर रहे थे, बात शेयर करने वाली है नहीं, पर मैं फिर भी आपसे शेयर कर रहा हूँ। बिकॉज मैं एक चीज़ और कहना चाहूँगा कि आप जितना मर्जी ऊपर चले जाइए, जितना मर्जी आसमान छू लीजिए, लेकिन अपने कदम जमीन पे जरूर रखिए, जमीन से जरूर जुड़े रहिए। मैं अब कॉर्बेट से आ रहा था तो मैंने सोचा कि यार अब ये कॉर्बेट से पहन के तो निकल नहीं होगा। आई वॉज रेडी विद दिस कि मुझे वहाँ जाकर के पहनना है, अच्छा नहीं लगेगा अदरवाइज। मर्सिडीज लेते हुए मैं लोअर और टी शर्ट में हूँ और आप सब लोग सूट बूट में होंगे। तो अब मुझे लगा कि वहाँ पहुँचने के बाद तो शायद इतना वक्त आप नहीं दोगे कि मैं चेंज कर सकूँ। सो रोड साइड गाड़ी रोकी, रोड साइड चेंज किया, रोड साइड कौन आया, कैसे आया, कैसे नहीं आया, मकसद ये है कि हम पहुंचे, दैट्स इट। यस, और मकसद ये है कि आप यहां पहुंचे, और अब इससे अगली गाड़ी। दिस इज माय बेस्ट विश फॉर यू ऑल। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच, थैंक यू। क्या ये तालियां तरुण भाई के लिए बहुत हैं क्या? कहाँ क्या दिन थे, क्या कहाँ पहुँच गए। और अभी लग रहा है कि 2021 कुछ बहुत बड़ा होने वाला है, 2021 बहुत बड़ा होने वाला। इवन यू कॉन्ट ट्रस्ट, इवन यू कॉन्ट बिलीव इट, के मतलब आप सोच भी नहीं सकते कितना बड़ा होने। एक चीज़ मैं जरूर कहता हूँ आप सबसे, आप कहोगे फिर से भाषण चालू हो गया, लेक्चर चालू हो गया, बट मज़े की बात यह है कि इसके बिना कुछ पॉसिबल नहीं है। आप सब एक चीज़ कर लीजिएगा, अगर आप करना चाहते हैं, अगर आप इस गाड़ी तक पहुंचना चाहते हैं तो एक चीज़ कर लीजिए, अपना टारगेट बना लीजिएगा, टारगेट निश्चित कर लीजिएगा कि इस दिन को गाड़ी आएगी। अक्सर लोग इसलिए फेल हो जाते हैं कि उनके कोई टारगेट नहीं होते, अक्सर इसलिए देर हो जाती है कि टारगेट्स नहीं होते। अगर हमने टारगेट बना लिया कि इस दिन मुझे ये गाड़ी चाहिए तो गाड़ी वो टारगेट पूरा हो जाए। 2021 एक जनवरी का दिन था और मैंने मेरा अगला टारगेट बनाया, टारगेट बनाया 50 करोड़ बिजनेस वॉल्यूम इन दिस ईयर विल हिट। अब इसमें किसी ने कहा
कि ये कुछ वो नहीं है, क्या बोलते हैं इसको, सेल्फिशनेस, कि आपने अपने लिए 50 करोड़ बिजनेस वॉल्यूम का टारगेट बनाया। तो मैंने उसको बुलाया, उसको बिठाया, मैंने उसे समझाया, मैंने कहा एक बात समझ, अगर 50 करोड़ बिजनेस वॉल्यूम हिट हुआ, अगर हम ये कर पाए, तो 50 करोड़ का 62% कितना होता है? इसका मतलब हर महीने हमारी टीम में 31 करोड़ रुपए डिस्ट्रीब्यूट होगा। दिस इज माय टारगेट। तो व्हाट्स योर टारगेट, आपका टारगेट क्या है, आपका उस 31 करोड़ में आपका शेयर कितना होगा? सीधी सी बात, यस यस, 1 करोड़ में आपने बोल दिया इस मंथ। ये सोचना जरूरी है, ये टारगेट होना जरूरी है। जिसकी गाड़ी लेट हो रही है, उसकी गाड़ी सिर्फ इसलिए लेट हो रही है क्योंकि उसका कोई टारगेट नहीं है कि किस दिन चाहिए। जिस दिन वो लेट लिखी गई, इस दिन चाहिए, उस दिन आ जाएगी। That's it and thank you very much. Thank you. Thank you. Thank you. And for cake cutting. यहाँ आगे टेबल पे करते हैं ना? इसके ऊपर आगे इसके। कोई ला रहा है? हाँ ला रहा हूँ। वो कर ये फोटो। टेबल बोल दिया उन्हें, टेबल बोल दिया वीडियो में आओ, आप बना जो रहे हो आप कैसे करना? अरे मैम
देखो जी तो मम्मी सर इधर वो बोल रहे थे अरे ये उतार के ऊपर लगा अरे इस साइड ना गाड़ी की साइड गाड़ी अच्छा उधर ही कर रहे हो ना तुम की बात कर रहे हो वरुण भैया हैप्पी बर्थडे टू यू। ये तो भाई
हो गया एक स्पून देना खाली थैंक यू थैंक यू जी प्रशांत सर की कॉल आ रही है। सुनिए प्रशांत सर जी। प्रशांत